चाहत पांडे को लेकर विवेंदी सेना यहाँ पर ईशा और अविनाश से काफ़ी सारी बातें करते हुए नज़र आए हैं। विवेंदी सेना अविनाश और ईशा जो है बाहर बैठे थे, बैठकर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। अविनाश जो है कुछ सवाल जवाब यहाँ से विवेंद पे कर रहे थे। उसी के चलते वहाँ से जो है श्रुतिका की हंसी की आवाज़ आ रही होती है और विवेंद देखते हैं कि वहाँ पर चाहत भी जो है काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है, जिसको देखकर विवेंद बोलते हैं यहाँ पर दो लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है, पता कौन। जहाँ अविनाश पूछते हैं कौन, तो विवेंद बोलते हैं कि चाहत पांडे और श्रुतिका। विवेंद को जो है श्रुतिका और चाहत पांडे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। उसके बाद अविनाश जाने के बाद ईशा से बात करते हुए विवेंद कहते हैं कि यहाँ पर जो दिग्विजय है वो फुसकी है, एक ही दम उड़ने लग जाता है फिर ठुस होके बैठ जाता है। जहाँ पर ईशा बोलती है हाँ वो तो एक नंबर का फुसकी है, विवेंद बोलते हैं कि वो तो अनार है। ये बात जो है यहाँ पर कर रहे हैं, चाहत पांडे इन बातों को नहीं सुनती। अगर चाहत पांडे इन बातों को बोल सुन लेती तो फिर लूप में लग जाती, क्या बोले विवेंद, क्यों बोले विवेंद, विवेंद बोल के, जो कि जो हमेशा लगती भी है चाहत लूप में।